नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की संभावना से संबंधित जानकारी को साझा करने आया हूं। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर तत्वों का पता लगाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को बताया कि प्रज्ञान ने चांद के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सल्फर होने की पुष्टि की है। सल्फर होने के मायने आपको बता दूं, चांद और पृथ्वी की बनने में समानता की वजह से माना जा रहा है कि दोनों की बनावट मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर धातु भंडारण के विश्लेषणों से पता चलता है कि सतह पर सल्फर की मौजूदगी उसकी गहराई में अन्य धातुओं की उपस्थिति का संकेत हो सकती है। नेचर जियो साइंस से प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर हो सकता है। चंद्रयान 3 ने भी इसकी पुष्टि की है। सेतु प्रयोग के तहत प्रज्ञान रोवर ने लगे इनवॉइस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसे शॉर्ट में LIPS कहते हैं, ने यह जानकारी साझा की है कि इसरो के अनुसार चांद की सतह पर उम्मीद के मुताबिक कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज तथा सिलिका के साथ साथ ऑक्सीजन का भी पता चला है। इसरो के अनुसार LIBS पेलोड अब हाइड्रोजन की तलाश में जुटा हुआ है। अगर हाइड्रोजन का पता चल जाता है और ऑक्सीजन का पता चल जाता है तो यह वैज्ञानिकों के लिए और भारत के तथा समस्त विश्व के लिए एक उपलब्धि मानी जाएगी तथा पृथ्वी के अलावा अन्य कहीं जो जीवन की संभावना है उस पर एक बल मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।